चलें। आज हमारे मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं मित्रों। हमारे भी बहुत सारे सवाल हैं और उस सवाल में मैं उलझ गया हूं। आखिर वो वीडियो कहां से वायरल होता है और कौन से लोग वायरल करते हैं, और बिहार और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई कौन लगवाना चाहता है, और बिहार के वो मजदूर कौन से हैं जिन्होंने पत्रकारों के पास फोन करके रोना रोना शुरू किया। इन सवाल का जवाब आज मैं भी ढूंढ रहा हूं और हमारे साथ साथ लाखों करोड़ बिहारी भी ढूंढ रहे होंगे इन सवालों का जवाब। और जब हम लोग इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास किए तो कहीं ना कहीं FIR कर दी गई। यही दुर्भाग्य है और इसी का सवाल का जवाब जो है हम लोग जानना चाहते हैं। सवाल मेरे अंदर भी है कि आखिर वो पहला वीडियो कहां से सर्कुलेट किया गया, किस ट्विटर अकाउंट पर डाला गया, किस फेसबुक अकाउंट पर डाला गया, कहां से किस आईपी एड्रेस से उस वीडियो को शेयर किया गया, ये मैं भी जानना चाहता हूं सर। और सच में असली दोषी कौन है तमिलनाडु और बिहार मामले में, वो कब सामने आएंगे ये मैं भी जानना और सुनना और देखना चाहता हूं। कौन वो लोग हैं जो बिहार और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई लगवाना चाहते थे, कौन से वो लोग हैं जो बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो है भ्रामक खबरें फैलाना चाहते थे, कौन से वो लोग हैं जो बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को बदनाम करना चाहते थे। हम भी यही सवाल का जवाब तो जानना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब देगा आखिर कौन, ये सवाल है ना। क्या मासूम लोगों के ऊपर ही FIR किया जाएगा, ये भी सवाल है ना। क्या बड़ी मछलियां दूर रहेंगी और छोटी मछलियों को कंडरे में खड़ा कर दिया जाएगा और सारा ठीकरा बड़ी मछलियों पर न फोड़कर छोटी मछलियों के ऊपर उतार दिया जाएगा, क्या नाकामी है सिस्टम की। इसी का सवाल का जवाब तो हम लोग आज जानना चाहते हैं कि कहां से वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, इसकी जांच कब होगी, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने वीडियो जांच किया और वो कब सामने आएंगे और कब वो असली लोग गिरफ्तार होंगे। इसका जवाब तो हम मेरे साथ साथ हर भारतीय और हर बिहारी जानना चाहता है। कहे कि सवाल तो बड़ा लंबा है, आखिर वीडियो आया कहीं से, वीडियो निकलकर बिहार के अंदर घूमा, तमिलनाडु में बिहार घूमा, इसके बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी, नेता लोग ट्वीट किए, तभी तो हम लोगों तक ये जो है जानकारी पहुंची और हम लोग सवालों का जवाब ढूंढने के लिए माइक लगा लगा कर लोगों से पूछने लग गए कि आखिर भाई ये वीडियो आया कहां से, आप लोग क्यों डर गए, क्यों तमिलनाडु से भाग आए, और वो कौन से बिहारी मजदूर हैं जो फोन कर करके, मैसेज कर करके, कॉल कर करके बोल रहे थे हमको दौड़ाया, मारा, पीटा और काटा जा रहा है। इसी का जवाब तो हम भी जानना चाहते हैं। बस इन सवाल का जवाब आखिर हमको कब मिलेगा सर, कब मिलेगा। 26 URL के ऊपर FIR हुआ है, 4 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, तमिलनाडु का प्रकरण है, हम किसको दोषी कहें। हम सिस्टम को दोषी नहीं कर सकते, सरकार को दोषी नहीं कर सकते, पुलिस को दोषी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोषी वो लोग तो हैं जिन्होंने सबसे पहले भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास किया। तो पुलिस इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे पहले तो, जिन लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को सर्कुलेट किया। मनीष कश्यप तो हमको लगता है 3 मार्च हो गए हैं तमिलनाडु, रवि भट्ट ने पहली बार 2 मार्च या 3 मार्च को वीडियो बनाया है, लेकिन 2 मार्च और 3 मार्च से पहले प्रमुख पेजों पर जो खबर छप रही थी, जो उससे पहले वीडियो मार्केट में आ गए थे, 2-3 वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, वो कहां से आया, इसका अनुसंधान होना चाहिए ना, इसके ऊपर जांच कमेटी बैठाकर इसकी जांच होनी चाहिए ना, ये कब होगा। और इसी सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूं सर, मैं भी सवालों में उलझ गया हूं, उत्तर लाएगा कौन, उत्तर देगा कौन और उत्तर खोजेगा कौन, ये सवाल है। और इसी सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, बस इतना ध्यान रखिए कि सवाल में मैं भी उलझा हूं, सवाल में सरकार भी उलझी है, सवाल में तमिलनाडु और बिहार पुलिस भी उलझी है, लेकिन असली उत्तर किसके पास है ये किसी को पता नहीं। क्या बिहार को और तमिलनाडु को बदनाम करने के लिए कहीं रणनीति तो नहीं रची जा रही थी, ये भी सवाल है। इन सवालों का भी जवाब ढूंढना भी तमिलनाडु और बिहार पुलिस को बाकी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।